नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटालों में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक्शन में नजर आया। ईडी अधिकारी ने सोमवार सुबह मामले के दोषियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। ऑडिट अकाउंट विभाग के कर्मियों के अलावा नगर निगम ठेकेदारों के 18 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी है। नगर निगम के फर्जी बिल ड्रेनेज घोटाले मामले में ईडी की टीम ने कई जगह छापामार कार्रवाई की है। इसमें नगर निगम के ठेकेदारों के अलावा अकाउंट्स और ऑडिट विभाग के कर्मियों के यहाँ छापा मारा गया। ईडी ने सुखदेव नगर में हरीश श्रीवास्तव, माणिकबाग में प्रोफेसर एतेश श्याम खान, अशोका कॉलोनी के सकीना अपार्टमेंट में जायद खान, मदीना नगर में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दीकी व मोहम्मद जाकिर, आशीष नगर में राहुल बडेरा, रेणु बडेरा, महालक्ष्मी नगर अनिल गर्ग, अंबिकापुरी में राजकुमार पन्नाराल सालवी, सुखालिया उदिंग भदौरिया व अन्य ईडी की कार्रवाई की सूचना है। हालांकि ईडी की तरफ से इस छापामार कार्रवाई को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी बिल घोटाले, ड्रेनेज घोटाले से जुड़े कई अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक खाते ट्रांजेक्शन की जानकारी इन आरोपियों के घर से जब्त की गई है। सुबह ईडी की टीम ने इन आरोपियों के ठिकानों पर दस्तक दी। अधिकारियों ने पूरे घर की सघन तलाशी ली और मामले से जुड़ी फाइलें व दस्तावेज लेकर रवाना हो गए। दरअसल पिछले कई दिनों से मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई और जाँच में अहम तथ्य सामने आने के बाद ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।